महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। और पुनः कहूँगा कि ये वीडियो अपलोड हमेशा करते रहेंगे। विगत दिनों कुछ अनिवार्य रीजंस बस ब्रेक हो गया था और आपका शेयर सब्सक्राइब या आप जो भी हमारे प्रति एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बनाएंगे वो हमें और भी आगे बढ़ने की प्रेरित करेगा और फिर और भी उत्साह के साथ हम आपके लिए काम कर सकेंगे। सो वेलकम। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। नेम द एक्टिव केमिकल यूज इन रेपेलेंट। आप देखते हैं कि मच्छर से बचने के लिए आप लगाते हैं, ऑल आउट लगाते हैं, तो इसमें कौन सा केमिकल का इस्तेमाल होता है? तो आंसर इज वेरी सिंपल, एल्थ्रीन, AELTHRIN। दिस केमिकल इज फाउंड और प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लांट। ये पौधे से हम इसको प्राप्त करते हैं। Let's come to a second question. In comparison to female, the male has high color blindness. Why? महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक color blindness होता है, क्यों? पहले इसका कारण जान ले, फिर इसके बारे में डिटेल्स आपको बताएंगे। और यदि आपको कोई परेशानी होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी आप अपने प्रॉब्लम को पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और यहां भी आप प्रश्न कर सकते हैं। तो आंसर यह है कि जैसे मेल एंड फीमेल, मेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह है एक्स एंड वाई, दो यहां भी है, और फीमेल में जो क्रोमोसोम्स होंगे 40x क्रोमोसोम से होते हैं दो। और मैं बता दूं आपसे कि यहां पे आप देखने मैंने लिखा भी है कि जीन्स दैट प्रोड्यूस फोटो पिगमेंट्स आर कैरीड ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स। जो फीटे फोटो पिगमेंट्स को कैरी करते हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं में दो है, तो नेचुरली फोटो पिगमेंट कैरी करने का जो कैपेसिटी है डेफिनेटली फीमेल में ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल, क्योंकि मेल एक ही क्रोमोसोम्स है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटो पिगमेंट। नेक्स्ट हम आते हैं कि जैसे अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में 1% प्रोबेबिलिटी है, 1% के लगभग में करोड़ों पर ब्लाइंडनेस का चांसेस रहता है 1%, जहां पर फीमेल फिर एक बात बता दूं कि आखिर एक कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, अंडरस्टैंड। ये तो क्या है कि इसमें इसको हम कलर डिफेक्ट भी कहते हैं या कलर डिफिशिएंसी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वेरी डिफिकल्ट जिस भी व्यक्ति को ये अगर कलर ब्लाइंडनेस होता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन, उस पर्सन को डिफिकल्ट होता है टू डिफरेंशिएट द कलर्स, कलर में को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। खासकर याद रखेंगे normally red and green, is that? Next come to what are isotopes? Isotopes kya hai? To ye to isotopes hai, jaise yahan pe main likha bhi hai ki same z value and different a value. Z ka matlab hua, z means charge number, A means mass number, K. तो isotope क्या होगा? Z same होगा और mass different होगा। Just for examples, उदाहरण के तौर पर देखें H11, H12, H13. This is
चार नंबर से है, 111। चार नंबर के नॉमिनल नंबर ही बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या ही बोलते हैं। तो परमाणु संख्या तीनों का एक है, लेकिन क्या देखना है कि हमारा मास नंबर जो है, मात्रा संख्या जो है अलग अलग है। हाइड्रोजन में एक है, ट्रिटियम में टू है, एंड ट्रिटियम में थ्री है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होंगे, तीन हो गए। कौन, H11, H12, H13। पहला हाइड्रोजन, सेकेंड ड्यूटेरियम, एंड थर्ड वन ट्रिटियम। नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो चार नंबर होता है वो एट होता है और मास नंबर 16 होता है। नेक्स्ट हुआ 17, नेक्स्ट हुआ 18। दिया गया आइसोटोप्स ऑक्सीजन, ओके। फिर आप यूरेनियम की बात कर सकते हो, चार नंबर 92, मास नंबर 235, यूरेनियम चार नंबर 92 एंड मास नंबर 238। ये हमारा आइसोटोप्स हो गए। आपने देखा कि चार नंबर यहां से है, मास नंबर डिफरेंट है। यहीं पे मैं थोड़ा बता देना चाहूंगा कि अदर एस्पेक्ट भी होता है कि अगर ऐसा हो जाए कि उल्टी बात हो जाए कि सेम मास नंबर हो जाए और डिफरेंट चार नंबर हो जाए, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्रम है हमारा, यहां पे आप देखें आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब हुआ, आइसोबार्स में क्या होगा, जेड डिफरेंट हो जाएगा और ए सेम हो जाएगा, याद रखेंगे आप। आइसोबार में क्या हो जाएगा, जेड डिफरेंट हो जाएगा, ए सेम हो जाएगा। इस एग्जांपल के रूप में हमारा है, यहां देख ले, यहां मैं लिखा भी है H13 एंड नेक्स्ट हमारा हीलियम Hg23, राइट। यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि मास नंबर एक वैसे है, तीन तीन दोनों में हाइड्रोजन के एल्यूमिनियम और चार में डिफरेंट हो गया वन एंड टू। सो क्या हो गया कि आइसोबार्स क्या हो गया यहां पे कि जिसमें हमारा सेम मास नंबर हो जाए एंड डिफरेंट चार नंबर हो जाए। दैट इज आर एग्जांपल ऑफ आइसोबार्स। नेक्स्ट एक थर्ड वाला बता रहा हूं, चीज समझोगे, जैसे आइसोटोन्स है। आइसोटोन्स का मतलब हुआ सेम एन नंबर, न्यूट्रॉन का मान सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन का मान सेम होना चाहिए। और न्यूट्रॉन का मान यदि सेम होगा, एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां पे, जैसे लिथियम है Li3 है 7 है, बेरिलियम है B है 4 है 8 है। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, दोनों में के घटा दीजिए, 7 - 7 - 3 - 4, 8 - 4 - 4, क्योंकि n नंबर जो होगा वो होगा a - a। यहां पे आपने क्या देखा, इन बोथ द केसेस हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मान सेम है। इसलिए दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स। नेक्स्ट, ड्यू इज नॉट फॉर्मड इन टर्बुलेंट नाइट। जैसे वैसी रात जिसमें कि हवा काफी स्पीड ऑफ द विंड इज मोर, स्पीड ऑफ विंड इज हाई। टर्बुलेंट का मतलब हुआ कि ये वैसी रात जिसमें कि हवा काफी तेज गति से बहती हो, तो उसमें ड्यू नाम ओस नहीं बनता। रीजन क्या है, एक लाइन में ये आप लिखेंगे कि रेट ऑफ, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये शुड बी ऑफ। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर, वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होती है। यदि आपसे सवाल आता है मल्टीपल चॉइस में, याद रखें कि उत्तर अगर स्ट्रिक्टली आपको उत्तर याद है तो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड टू कमिट मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन, ये जरूरी है कि आप प्रश्न का उत्तर याद रखें, न कि मल्टीपल चॉइस में वेट करें कि पांच आंसर में कौन होगा, और इस तरह की आदत नहीं डालें, बल्कि मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक ओवर आंसर फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी है। तो याद रखेंगे कि ड्यू इज नॉट फॉर्म इन टर्बुलेंट नाइट, दैट इज द नाइट हैविंग वेरी हाई स्पीड ऑफ एयर ऑन द विंड। रीजन ये होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर, वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा। Next, what will happen to water if hydrogen is replaced by its isotope? Very tricky question. जैसे अगर हम water की बात करेंगे
H2O, this one. This is your water. अब कह रहा है क्या किसी H को रिप्लेस कर देंगे क्या हाइड्रोजन के आइसोटोप से? तो अभी मैंने कहा है हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप से, अब सपोज करें कि इससे हम रिप्लेस कर देते हैं ड्यूटेरियम से, सेकंड से, तो यू विल गेट हियर D2O. दिस इज कॉल्ड ड्यूटेरियम ऑक्साइड और हेवी वाटर. क्या कहेंगे इसको? हेवी वाटर. तब क्या उत्तर हुआ कि अगर हम क्या करेंगे कि वाटर के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे आइसोटोप से, आइसोटोप मींस ड्यूटेरियम से, तो क्या मिलेगा हमें? ड्यूटेरियम ऑक्साइड मिलेगा. दिस इज कॉल्ड हेवी वाटर, राइट? और ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड का काफी यूज है, खास यदि आप देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर में ड्यूटेरियम ऑक्साइड यूज होता है मॉडरेटर के रूप में. मॉडरेटर का मतलब हुआ टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन. जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन जो पैदा होता है हर एक फीजन में, यूरेनियम की बात यदि हम करते हैं, यूरेनियम एक न्यूक्लियस से फीजन यदि हम कराते हैं न्यूट्रॉन से, तो उसके साथ साथ 3 या 2.5 न्यूट्रॉन्स पैदा होता है ऑन द एवरेज. और काफी उसका क्वांटिटी ज्यादा रहता है और वेग ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि वो अदर जो होगा न्यूक्लियस को तोड़ने में सक्षम नहीं भी हो सकता है. टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की एनर्जी को कम करने के लिए, वेलोसिटी को कम करने के लिए क्या करते हैं वो? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं. किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर. सो दैट्स